नए साल के पहले दिन धामी सरकार का बड़ा फैसला, भू कानून पर खेला मास्टर स्ट्रोक। उत्तराखंड में बाहरी लोगों के लिए कृषि जमीन खरीदने पर लगाई रोक, आदेश जारी। नए साल के मौके पर अनाथ बच्चों के बीच पहुंचे सीएम, धामी बच्चों को बांटे जैकेट, जूते और ड्रेस। बोर्ड के टॉपरों को दिया इनाम, ननिहालों के खिले चेहरे। कोलागढ़ पहुंचे सीएम धामी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास के भवन का किया लोकार्पण, हॉस्टल परिसर में किया पौधारोपण। इन्वेस्टर समिट के बाद एक्शन में आयुष विभाग, तय किया आगामी 3 माह का लक्ष्य, मार्च तक 1000 करोड़ की ग्राउंडिंग पर होमवर्क पूरा, हर सप्ताह हो रही कार्यों की समीक्षा। हरिद्वार में बीजेपी के पूर्व मंडल उपाध्यक्ष ने की खुदकुशी, पहले की 2 राउंड फायरिंग, फिर खुद को गोली मारकर की आत्महत्या, धर्मनगरी में मचा हड़कंप। हिट एंड रन कानून में बदलाव का उत्तराखंड में दिखा असर, देहरादून हरिद्वार हल्द्वानी में जाम हुए गाड़ियों के पहिए, सड़कों पर परेशान घूमते दिखे लोग। नए साल के पहले दिन हरिद्वार पहुंची अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे, परिवार संग पहुंची हर की पैड़ी, गंगा स्नान के बाद किए मनसा देवी के दर्शन, सोशल मीडिया पर शेयर की हरिद्वार यात्रा की तस्वीरें। साल के पहले दिन धारी देवी मंदिर में लगा श्रद्धालुओं का तांता, दर्शनों के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़, 12,000 से अधिक लोगों ने किए दर्शन। उत्तराखंड में बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर, इस साल लोक सेवा आयोग ने 3040 पदों पर की भर्ती, 3595 का परिणाम हो रहा तैयार, कईयों की खुलेगी किस्मत। उत्तराखंड में पड़ रही कड़ाके की ठंड, गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा ले रहे लोग, सुबह शाम कोहरा बढ़ा रहा परेशानी, विजिबिलिटी ने रोकी वाहनों की रफ्तार।